ऐसी घोषणा हो चुकी है कि जल्द ही हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस विदेशों में अपनी रफ्तार बढ़ने वाली है और इसको लेकर भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों की रीमॉडलिंग पे काम शुरू कर दिया है। तो क्या कुछ खास बदलाव होने वाला है नई वंदे भारत एक्सप्रेस में? आखिर हमारी अब तक की वंदे भारत एक्सप्रेस विदेशों में क्यों नहीं चल सकती है और कैसी होने वाली है बिल्कुल नई वंदे भारत एक्सप्रेस? बात करते हैं आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं दिलीप शर्मा स्वागत करता हूं वंदे भारत एक्सप्रेस की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता दे कि हमारी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस बस कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है, जिसकी उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है और इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। हालांकि इसे 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने का इरादा है और इसके लिए ब्रॉड गेज पटरियों का इस्तेमाल किया जाएगा। आमतौर पर भारत ब्रॉड गेज लाइन में परिचालन करता है, जहां ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा भी की जा सकती है, जहां हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन होता है। दोस्तों, एक ब्रॉड गेज या वाइड गेज ट्रैक आमतौर पर 1676 मिलीमीटर चौड़ा होता है, यानी कि दो गेज के बीच की दूरी 5 फुट 6 इंच होती है। इसके विपरीत एक मानक गेज यानी कि स्टैंडर्ड गेज 1435 मिलीमीटर चौड़ा होता है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है। भारत में अधिकांश शहरी रेल परागमन प्रणाली जैसे मोनोरेल, मेट्रो और ट्राम के लिए मानक गेज का उपयोग किया जाता है। 2010 तक भारत में एकमात्र मानक गेज लाइन कोलकाता ट्राम प्रणाली थी और इसी मानक गेज ट्रैक पर परिचालन को सक्षम करने के लिए वंदे भारत ट्रेनों को फिर से डिजाइन करने का काम चल रहा है, क्योंकि अब तक की जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो ब्रॉड गेज नेटवर्क पे चलती है। डिजाइन में कुछ संशोधन और अतिरिक्त अनुकूल की आवश्यकता है। रेलवे के इंजीनियर इस पे काम कर रहे हैं ताकि घरेलू मांग के अलावा इसे हम विदेशी बाजारों में भी लाभ उठा सके और स्टैंडर्ड गेज पटरियों पे परिचालन को सक्षम बनाया जा सके। मेट्रो रेल यानी कि वंदे मेट्रो के लिए वंदे भारत रोलिंग स्टॉक पे डिजाइन का काम भी चल रहा है और जल्दी एक प्रोटोटाइप आने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार वंदे भारत के माध्यम से यात्रियों के लिए न्यूनतम झटके, कम शोर स्तर जैसी कुछ विशेषताओं के साथ निर्यात का एक परिस्थितिक तंत्र बनाया गया है। ब्रॉड गेज कोच जो कि 3600 मिलीमीटर के होते हैं, उनकी तुलना में मानक गेज यानी कि स्टैंडर्ड गेज रोलिंग स्टॉक 3200 मिलीमीटर चौड़े होते हैं। तो आफ्टर मॉडिफिकेशन हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस थोड़ी पतली हो सकती है। अधिकारियों ने ऐसा कहा कि एक बार डिजाइन स्वीकृत हो जाने के बाद प्रोटोटाइप का परीक्षण किया जाएगा। भारतीय रेलवे इन रोलिंग स्टॉक के लिए एक गोडा और थथना मीट्रिक के बीच 59 किलोमीटर लंबे स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण कर रहा है, जो कि 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त करा सकता है और इसमें सबसे पहले वंदे मेट्रो रेक रखने की योजना है और फिर हमारे पास मानक गेज रोलिंग स्टॉक होगा, जिसे शायद 1 या 2 साल में निर्यात किया जा सकेगा। इसके लिए हमें रोलिंग स्टॉक का परीक्षण करने और उत्पादों के बारे में आश्वस्त होने की जरूरत है, खासकर जब हम विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। हालांकि भारतीय रेलवे वंदे भारत की डिमांड पहले भारत में ही पूरा करेगा, उसके बाद इसे विदेशों में निर्यात करेगा, लेकिन इसके लिए घोषणा हो चुकी है कि जल्द ही हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस विदेशों में रफ्तार भरेगी। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर दोस्तों, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।